हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रानी, मैं केरला से हूँ। आज की रेसिपी इडली और दोसे के साथ खाने वाला टमाटर चटनी का रेसिपी है। ये शारवण भवन स्टाइल टमाटर को चटनी का रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्रेस कर लेना। आप साउथ इंडियन रेसिपी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। चलिए अपन शुरू करते हैं। टमाटर चटनी बनाने के लिए मैंने एक तवा को गैस में रख दिया था। उसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गर्म होने के बाद में उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून उड़द की दाल। उसके साथ में 2 सूखी लाल मिर्ची को ऐड करेंगे। उसके साथ में 3-4 लहसुन को भी ऐड करेंगे। उसके बाद में इसे 2-3 सेकेंड के लिए ऑयल के अंदर भूनेंगे। उसके बाद में एक मीडियम साइज प्याज को स्लाइस की हुई इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज भी थोड़ा सा ऑयल के अंदर भून जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर को चॉप की हुई। उसके बाद में इसे 2-3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर ये टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनना है। अभी आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अभी इसे ठंडा होने के बाद में मिक्सी में पेस्ट बनाना है। अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी मिक्स ठंडा हो गया। अभी इसे अपन एक मिक्सी का जार में डाल देंगे। उसके साथ में कुछ चीज़ें अपन को ऐड करना है। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ग्रेट करके कैरेट को लिया हुआ है। कैरेट ये चटनी को एक अच्छा सा टेस्ट और कलर देती है, इसलिए आप जरूर कैरेट को इसके अंदर ऐड करना। उसके बाद में थोड़ा सा हरा धनिया को डाल देंगे। उसके साथ में मैंने 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर को डाल रहा हूँ। ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर है। उसके बाद में स्वाद के अनुसार नमक को भी मैंने इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद में इसे एक फाइन पेस्ट बनाना है। अब देखिए, मैंने अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना दिया। अभी इसके लिए अपन को एक तड़का बनाना है। तड़का बनाने के लिए मैंने तवा को गैस में रख दिया। उसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गर्म होने के बाद में 1 टीस्पून राई को डाल देंगे। राई फूटने के बाद में उसके अंदर ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्ची को। उसके साथ में मैंने ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया को भी। उसके बाद में एक पेस्ट किया हुआ ये मिक्स को इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में मैंने मिक्सी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। और ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करते, क्योंकि ये चटनी थोड़ा सा थिक होती है। तो आपको ज़्यादा लूज चटनी चाहिए तो आप पानी और ऐड कर लीजिए। लास्ट में मैंने मेरे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर मिला रही हूँ, 1/2 टीस्पून चीनी। उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अपना शरवण भवन स्टाइल टोमेटो चटनी रेडी हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी चटनी है। आप जरूर इस चटनी को इसी तरीके से एक बार ट्राई करके देख लो। और ये दोसा, इडली और चावल चपाती के साथ में सब जगह अच्छे से कॉम्बिनेशन है। आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन यही होती है और इडली दोसे के साथ में इसे बना के आप फ्रिज में भी रखेगी तो काफ़ी दिन चलेगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टोमेटो चटनी का रेसिपी पसंद आया होगा। पसंद आए तो नीचे दी हुई लाइक बटन को प्रेस करना भूलना नहीं है। अगली वीडियो पे एक नए साउथ इंडियन रेसिपी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।